संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बार मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। इस दौरान विपक्ष नीट पेपर परीक्षा, रेलवे सुरक्षा और कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के फैसले समेत कई मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरने की तैयारी में है। मॉनसून सत्र से पहले रविवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सर्वदलीय बैठक में जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। असदुद्दीन ओवैसी ने कांवड़ मार्ग में नेम प्लेट वाले फैसले पर आपत्ति जताई। मॉनसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। इसमें कुल 19 बैठकें होनी हैं। इस दौरान सरकार की ओर से 6 विधेयक भी पेश किए जाने की उम्मीद है। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 10:45 पर मीडिया को संबोधित करेंगे। सावन का पवित्र महीना शुरू होने के साथ ही आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से निगरानी की जाएगी। हरिद्वार के एएसपी ने बताया कि 5,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी कांवड़ यात्रा की व्यवस्था में लगे हुए हैं। वहीं कांवड़ मार्ग में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की ओर से अर्जी दाखिल कर यूपी सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। नेम प्लेट पर विवाद के बीच वाराणसी नगर निगम ने सावन महीने में मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। नगर निगम का कहना है कि कांवड़ यात्रा रूट पर वाराणसी में मीट की सभी दुकानें बंद रहेंगी। हरियाणा के नूह में आज ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी। ब्रजमंडल यात्रा के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। हालात सामान्य बने रहे इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के स्वागत के लिए दोनों समुदाय के प्रमुख लोग भी शिरकत करेंगे। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा इस बार नलहड में पांडवकालीन महादेव मंदिर से शुरू होकर फिरोजपुर झिरका के झिरकेश्वर महादेव मंदिर होते हुए पुनहाना के श्रृंगार श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचेगी। वहां पर जलाभिषेक का कार्यक्रम किया जाएगा। इस यात्रा को लेकर हरियाणा सरकार ने आज शाम 6 बजे तक नूह में इंटरनेट और SMS सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी है।